कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शशि वलिया ने कहा कि आज डीजल और पेट्रोल के इतने दाम बढ़ चुके हैं कि एक पहले इंसान जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रोजगार लेने के लिए लोग तड़प रहे हैं, लाले पड़ चुके हैं, उसके बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल दामों में बढ़ोतरी के लिए एक हिटलरशाही फरमान है। आपको बता दें कि प्रदेश में गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति पहले ही सामान्य नहीं है। इस तहत डीजल पेट्रोल प्रदेश का दम आज प्रदेश में बढ़ने वाली महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। प्राइम की न्यूज चैनल के लिए हाजिर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे विधायक मसूद अख्तर जी, हमारे विधायक नरेश सैनी जी, तमाम जिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, PCC, AICC, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस और तमाम संगठनों के माध्यम से दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हिटलरशाही फरमान जारी हुआ है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। आम जनमानस पहले से ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, रोजी रोटी का कोई हिसाब नहीं, आपकी कानून व्यवस्था का हिसाब नहीं, केवल अपने खर्चे चलाने के लिए रोज रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर करके लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी के चूल्हे में और ज्यादा कटौती होगी। इतना नतीजा यह होगा कि लोग, मैं समझता हूं कि जब आर्थिक मंदी से और जूझेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश में त्राही त्राही होगी। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला सहारनपुर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं ये वापस हो, ताकि आम लोग सामान्य रूप से रह सकें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन